गांव उड़सर में बेटे की मौत मामले में तफ्तीश बदलने की मांग को लेकर एसपी दफ्तर पहुंची मृतक की मां। चूरू जिले के सरदारशहर तहसील के गांव उड़सर में फरवरी 2023 में हुई युवक की मौत मामले में तफ्तीश बदलने की मांग को लेकर मृतक की मां एसपी दफ्तर पहुंची और एसपी राजेश मीणा को परिवाद दिया। सहावा कस्बे के वार्ड संख्या 3 निवासी रेशमी ने गुरुवार को बताया कि 7 फरवरी 2023 को उसका पुत्र फूलाराम अपने मौसी ससुर राजू बावरी के घर उड़सर गांव शादी के कार्यक्रम में आया था। उसी दिन उसके पुत्र फूलाराम के ससुर ओम प्रकाश और उसकी पत्नी सुमन, मासी ससुर राजू ने मिलकर उसके पुत्र की फांसी लगाकर हत्या कर दी और उसके बाद बिना पुलिस और उन्हें सूचना दिए सरकारी अस्पताल सरदारशहर लेकर आ गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसके पुत्र फूलाराम को मृत घोषित कर दिया। अगले दिन उन्हें जरिए फोन सूचना मिली कि फूलाराम की मृत्यु हो गई है, जिस पर वे 9 फरवरी को सरदारशहर आए और मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन करीब 4 महीने का समय व्यतीत हो जाने के बावजूद ना तो पुलिस अभी तक उसके पुत्र के हत्या के कारणों का पता लगा पाई और न ही किसी आरोपी को गिरफ्तार कर पाई है। उन्होंने परिवाद के जरिए उक्त प्रकरण की तफ्तीश किसी निष्पक्ष अधिकारी से करवाने की मांग की। लाश ताई बुलाई, फिर मैं सरदार सर गया, मन बताया को नहीं, डॉक्टर कन ले के गेर दियो ना मार फूट के, और फिर नाम कहो ना मन 3 दिन में लाश बताई, और फिर बोले कि राजीनाम कर लियो, 2 लाख रुपये ले लियो। फिर 3-4 बरिया जीपड़ी गई मारे, दो गाड़ी भर भर के गई, गाड़ी भर भर के गई, सुनाई को नहीं करी मारी, जम्माई सुनाई को नहीं करी मेरी गरीबनी की जम्माई। कौन कौन सरदार सर है।